बिस्मिल्लाह अस्सलाम रहीम अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम टिकटॉक की अर्निंग की बात करेंगे, ज़रा रियलिटी की बातें कर लेंगे, ठीक है, कि जो टिकटॉक है वो आपको कितनी पेमेंट देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है यूट्यूब की तरह वहाँ पे भी उनका जो RPM है या CPM है वो एक अलहदा चीज़ है कि बाज़ वीडियोज़ पर ज़्यादा बनते हैं, बाज़ वीडियोज़ पर कम बनते हैं, लेकिन हम बात करेंगे वहाँ पर जो व्यूज़ है उस पर किस तरह पेमेंट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप भी टिकटॉक यूज़ करते हैं, UK, USA, जर्मनी, फ्रांस, इटली का अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आखिर तक देखें ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकें और आप ये रिलेटेड ज़रा जान सकें, आपको ये पहले से क्लियर हो कि किस तरह आपको अर्निंग जनरेट होगी। ठीक है, तो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। वीडियो की डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस की कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो याद है कि टिकटॉक में दो तरह के व्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ऑल व्यूज बताता चलूँ। ठीक है, तो टिकटॉक में दो तरह के व्यूज होते हैं। पहले व्यूज होते हैं नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल हमारे पास वो व्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ आपके अकाउंट को मोनेटाइज करवाने में मददगार साबित होते हैं। जैसे कि 30 डेज में जो नीड होती है 1 लाख व्यूज़ की, वो पूरा करना होता है, तो कुछ वीडियोस आपके लिए सिर्फ वो रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं, मेंटेन रखते हैं। हमारे पास नॉट एलिजिबल व्यूज़ है। कुछ फिर हमारे पास वो व्यूज़ हैं जो कि एलिजिबल व्यूज़ है। अब ये जो एलिजिबल व्यूज़ है हमारे पास, ये हमारे पास वो व्यूज़ हैं जिससे हमें अर्निंग जनरेट होती है। तो यहाँ पे टिकटॉक ने एलिजिबल व्यूज़ के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कौन से व्यूज़ को एलिजिबल व्यूज़ या क्वालिफाइड व्यूज़ के नाम से जाना जाता है, कि कौन से व्यूज़ जो है ना वो क्वालिफाइड व्यूज़ होंगे। तो याद रखें, टिकटॉक कहते हैं कि अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो आप 1 मिनट या 1 मिनट से लॉन्गर वीडियो देंगे, 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम वाली वीडियोज़ आप देंगे तो उस पर आपकी रेवेन्यू जनरेट होंगे। कि वीडियो 1 मिनट से कम है, उस पर लाखों के तादाद में भी व्यूज़ आए तो वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि वो आपके सिर्फ अकाउंट के जो व्यूज़ मेंटेन रखना है वो करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 मिनट वीडियो। अब इस 1 मिनट वीडियोज़ में भी अगर आपका एक एक वीडियो है और उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो उसमें से 3 लाख या 4-5 लाख वो क्वालिफाइड व्यूज़ होंगे, बाकी जो है ना वो अनक्वालिफाइड व्यूज़ होंगे। अब क्वालिफाइड व्यूज़ कौन से होते हैं, याद रखिए, आपकी 1 मिनट की वीडियो है तो 1 मिनट की वीडियो में अगर आपकी वीडियो को 5 सेकंड तक देखा जाता है, जितने व्यूवर्स ने भी आपके वीडियो को 5 सेकंड या उससे ज़्यादा देखा है, वो उसको क्वालिफाइड व्यूज़ कहा जाएगा। बात समझ रही है आपको, क्वालिफाइड व्यूज़ कौन से हैं? पहली शर्त, 1 मिनट की वीडियो या उससे ज़्यादा, उसमें भी फिर वो जो 5 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा देखी गई हो वो वीडियोज़। एक अब ये है कि इसके लिए भी एक शर्त है कि 1 मिनट की वीडियो होगी लेकिन अगर उस पर 1000 से व्यूज़ कम आए हो, 1000 से व्यूज़ कम आए हो, तो आपकी वीडियो को काउंट नहीं किया जाएगा, वो जो है ना क्वालिफाइड व्यूज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अगर आपकी 1 मिनट की वीडियो है और उस पर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो फिर उसको रेवेन्यू के लिए इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात याद रखें कि अगर आपकी वीडियो पर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हो लेकिन व्यूअर्स कम हो, मीन आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज़ आए हो लेकिन आपकी वीडियो पे टोटल व्यूवर जो है ना वो 850 आए हो, तो तब भी आपकी वीडियो को क्वालिफाइड व्यूज़ के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, रेवेन्यू के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिए, आपके वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा हैं 1000 से लेकिन उसके साथ साथ व्यूअर्स भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि एक व्यूअर ने आपकी वीडियो को 5-5 बार देखा है, 3-3 बार देखा है। अब आप समझ गए, ठीक है, दोबारा सुने, 1 मिनट वीडियो 5 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा देखी गई हो, 1000 व्यूज़ आए हो और 1000 व्यूज़ के साथ साथ व्यूवर्स जो है ना उसकी तादाद भी ज़्यादा हो, तब आपकी वीडियो को क्वालिफाइड व्यूज़ या आप कह सकते हैं रेवेन्यू के लिए इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। टिकटॉक से रिलेटेड इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।